दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्राई क्लीनिंग क्या होती है और ड्राई क्लीनिंग कैसे की जाती है, और आपको ये भी बताएंगे कि नॉर्मल वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग में क्या अंतर है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ड्राई क्लीनिंग में ड्राई का मतलब होता है सूखा और क्लीन का मतलब होता है सफाई, यानी कि सूखी सफाई। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कपड़े को बिना गीला किए कैसे साफ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ड्राई क्लीन का मतलब होता है बिना पानी का इस्तेमाल किए कपड़ों की सफाई करना। ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों को साफ करने के लिए ना ही पानी का इस्तेमाल होता है और ना ही डिटर्जेंट पाउडर का, बल्कि इसमें केमिकल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में ऐसे कपड़ों की सफाई की जाती है जिन्हें घर पर धोने या डिटर्जेंट का यूज करने से वो खराब हो सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग से ऐसे कपड़े खराब नहीं होते। लोग ज्यादातर महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। दोस्तों ड्राई क्लीनिंग में जिस केमिकल सॉल्वेंट का यूज होता है वो काफी महंगा होता है, लेकिन ये आपके महंगे और नाजुक कपड़ों को बचाने का अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब जान लेते हैं कि ड्राई क्लीनिंग कैसे करी जाती है। तो जिन कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करनी होती है उसे पहले केमिकल सॉल्वेंट में डुबाया जाता है। इस केमिकल सॉल्वेंट के रूप में ज्यादातर पैराक्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये केमिकल फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील नहीं होता है, और करीब हर तरह के कपड़ों की अच्छी तरीके से सफाई कर देता है। और साथ ही बता दें कि इस केमिकल को रिसाइकल करके दोबारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा ड्राई क्लीन में कुछ और भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े से ज्वलनशील होते हैं लेकिन सफाई भी अच्छी करते हैं। दोस्तों पहले जिन मशीनों से ड्राई क्लीनिंग की जाती थी उनमें केमिकल हवा में उड़ जाते थे, जिससे हवा भी पॉल्यूटेड होती थी। लेकिन अब जो नई मशीन आने लगी है वो सॉल्वेंट को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बना सकती है। और आपको बता दें कि जो ड्राई क्लीनिंग में मशीन यूज होती है उसमें भी वॉशिंग मशीन की तरह ही सफाई करी जाती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वॉशिंग मशीन में पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ड्राई क्लीन मशीन में सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें 10 से 15 मिनट तक कपड़ों को घुमाया जाता है, और कपड़े साफ होने के बाद उन्हें निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उन कपड़ों को ड्रायर के द्वारा सुखाया जाता है और उन पर प्रेस कर दिया जाता है, और जो गंदा सॉल्वेंट बचता है वो रिसाइकलिंग मशीन में जाकर साफ हो जाता है और जिसे दोबारा से काम में लिया जा सकता है। दोस्तों कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि ड्राई क्लीन से कपड़ों के सिकुड़ने या खराब होने का डर नहीं रहता है। कपड़ों का रंग भी खराब नहीं होता है। जो दाग धब्बे सादा धुलाई से नहीं निकलते वो ड्राई क्लीन से आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही ड्राई क्लीन करने से कपड़े ज्यादा टिकते हैं, और कपड़ों की जो क्वालिटी होती है वो भी लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नॉर्मल वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों ड्राई क्लीनिंग और नॉर्मल वॉशिंग में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों को साफ करने के लिए केमिकल सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नॉर्मल वॉशिंग में पानी, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्राई क्लीन के दौरान जो गंदा सॉल्वेंट बचता है उसे रिसाइकलिंग करके दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सादा धुलाई में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि ड्राई क्लीन करने से कपड़ों का रंग नहीं निकलता। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर कपड़ों का कलर ज़्यादा कच्चा होता है तो वो ड्राई क्लीनिंग करने के दौरान निकल जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ड्राई क्लीनिंग से बहुत पुराने या सभी प्रकार के दाग धब्बे साफ नहीं हो पाते हैं, और कुछ दाग धब्बों को एक खास तरह के स्टैन रिमूवर से साफ किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है इस जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कभी अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाया है क्या। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी से भरी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फैक्ट्री में साबुन कैसे बनती है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छी है।